हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्कार आप सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वनडे सीरीज खत्म हो गई है, इंडिया जीत चुकी है। T20 सीरीज अभी शुरू हुई है, तीसरा मैच था जो इंडिया ने जीता, इंपॉर्टेंट मैच था, इसलिए T20 का वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि अभी हमारे सामने वर्ल्ड कप इम्पॉर्टेंट है जो कि 50 ओवर का होने वाला है, लेकिन 8 महीने बाद वेस्ट इंडीज़ में ही होगा T20 वर्ल्ड कप, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो बात की बात है, पहले फोकस हमारा रहेगा वर्ल्ड कप पे। बट एनीवे, इंडिया 2 डाउन थी T20 सीरीज में, ये मैच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जीतना ही था और इंडिया ने जीता भी, वही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंडिया जैसी टीम कमबैक करेगी, इतने चैंपियन प्लेयर्स हैं इंडिया के पास। कुछ पॉइंट्स देखने लायक है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि सूर्य कुमार यादव जो T20 में बीस्ट ऑफ अ प्लेयर जिसको बोला जाता है, मैंने अजीब शॉट्स खेलते हैं और रिस्क लेके खेलते हैं, हाई रिस्क शॉट्स, और जब वो शॉट्स निखर के आता है, एग्जीक्यूट अच्छा होता है तो लाजवाब 4-6 हर जगह मारते हैं, कमाल के प्लेयर है। लेकिन क्वेश्चन यही आता है और हम सभी सरप्राइज है, एज ए क्रिकेटर मैं भी सरप्राइज हूँ कि इतने बेहतरीन T20 प्लेयर वनडे में क्यों उन्होंने अभी तक वो सक्सेस नहीं पाई है इतने सारे मौके के बाद, पता नहीं क्यों। ये शायद सूर्य कुमार यादव ही बोल पाएंगे। हम ये भी जानते हैं बैटिंग, इनफैक्ट क्रिकेट इज मोर ऑफ योर मेंटल गेम इन रैदर देन टेक्निकल। जब आप इंडिया लेवल में पहुंच जाते हो देन यू ऑलरेडी हैव द टेक्निक, इसीलिए आप वहां तक पहुंचे, उसके बाद आपको आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो या आप कैसे अडेप्ट करते हो, फॉर्मेट टू फॉर्मेट स्विच कैसे करते हो, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये सब है सूर्य कुमार यादव के अंदर, टेक्निक भी अच्छी है, अगर अच्छी नहीं होती तो सर्वाइव नहीं कर पाते, वाइट बॉल की टेक्निक बोल रहा हूँ, टेस्ट की नहीं। मेंटली भी स्ट्रांग है, अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो इस उम्र में जाके उनको इंडियन टीम में आते ही नहीं, काफ़ी लेट आए हैं, मेच्योर्ड हैं। तो मेरे ख्याल से एक ही चीज़ हो सकती है, शायद आप उनको ऐसी जगह खिलाओ जहाँ उनके पास ज़्यादा ओवर्स नहीं है खेलने को, जाते ही आप उनको मौका दो कि आप जैसा क्रिकेट T20 में खेलते हो वैसा खेलो, ज़्यादा समय उनको मिल जाता तो शायद अभी नहीं पता कर पाए, फिगर आउट नहीं कर पाए हैं, जो वो भी सरप्राइजिंग है क्योंकि 120-125 लिस्ट से क्रिकेट खेल चुके हैं। बट एनीवे, हम सभी यही आशा करते हैं कि आगे वाले मैचेस में अगर सूर्य कुमार यादव को मौका मिले तो शायद वो क्रैक कर पाए वनडे इंटरनेशनल। नंबर 2 मुकेश कुमार, देखिए तीसरा मैच खेल रहे हैं अपना, आप शायद बार बार बोल रहे होंगे मैं मुकेश कुमार की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, हाँ मेरा दोस्त ज़रूर है, बंगाल से है, लेकिन आप ये भी देखिए कि तीसरा मैच वो खेल रहे हैं और उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप डेड ओवर्स में डालो। हाँ हालांकि वेस्ट इंडीज़ टीम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, उतने बड़े लेवल में नहीं खेल रही है, क्वालिफाई नहीं कर पा रही, लेकिन सबसे डेंजरस बैट्समैन जो रहते हैं वो वेस्ट इंडीज़ के रहते हैं, वो कहीं किसी बॉल पर भी छक्का मार सकते हैं, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उनको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें भी वो खड़े उतरे हैं, तो शायद एक विकल्प हो सकते हैं T20 में क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में ही हैं, डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि IPL का फॉर्म उनका इस साल कैसा रहेगा, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है और बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नंबर 3 तिलक वर्मा, आई मीन अमेजिंग। देखिए काफ़ी यंगस्टर को मौका मिला है अभी इंडियन टीम में हाल फिलहाल, और सबसे ज़्यादा इम्प्रेस टेम्परामेंट से किया है तिलक वर्मा, स्किल वाइज सारे इम्प्रेसिव है, सारे 19-20 है, लेकिन टेम्परामेंट सबसे अच्छा तिलक वर्मा का है। एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, अगर 4 नंबर के प्लेयर आप खोज रहे हो वर्ल्ड कप में तो मेरे ख्याल से तिलक वर्मा को ट्राई करना चाहिए क्योंकि वर्सटाइल प्लेयर है, ऐसे प्लेयर नहीं है कि जो कहते हैं कि मुझे सिर्फ 4 नंबर बैटिंग करनी है या मुझे सिर्फ ओपन करना है या मुझे सिर्फ 6 नंबर खेलना है, हर जगह बैटिंग कर सकते हैं तिलक वर्मा, वो हमने देखा है मुंबई इंडियंस के लिए जब उन्होंने खेला है। तो मेरे ख्याल से तिलक वर्मा को आप एक बार एक मौका दो वनडे इंटरनेशनल में, सेंसिबल बैटिंग की है। T20 में हम बहुत कम बोलते हैं कि यार किसी ने आके सेंसिबल बैटिंग की है, कल का मैच फॉर एग्जांपल सूर्य कुमार यादव जब डेंजरस टच में बैटिंग कर रहे थे तो तिलक वर्मा सेकंड फिडल प्ले किया, एक दे के आप सूर्य कुमार यादव को दे रहे थे जो कि एकदम परफेक्ट बैटिंग है जिसको बोला, जैसे सूर्य कुमार यादव आउट हुए तिलक वर्मा ने चार्ज कमान संभाली, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया, उसके बाद जब हार्दिक पांड्या आए तो फिनिश भी किया उन्होंने। तो तिलक वर्मा आई थिंक वन बिग प्लेयर फॉर द फ्यूचर जिसको बोलते हैं लंबे रेस का घोड़ा हो सकता है और ज़रूर होना भी चाहिए। 3 नंबर यही बोलना चाहूँगा कि क्या कल हार्दिक पांड्या एक धोनी कर सकते थे, शुड ही हैव डन अ धोनी, क्योंकि याद है हमें सब एक बार विराट कोहली शायद 100 में
सौ या मैच जिताने के लिए कुछ रन बाकी थे। विराट कोहली अच्छी बैटिंग कर रहे थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और धोनी ने एक लास्ट बॉल में डिफेंस किया और बोला कि विराट यू टेक ओवर यू फिनिश द गेम फॉर इंडिया क्योंकि तुमने इतनी अच्छी पूरे मैच में बैटिंग किया है। तो वो सब चीज़ें वो सब पल याद रहता है इसीलिए धोनी इतने बड़े प्लेयर है। कल मौका था हार्दिक पांड्या के पास भी क्योंकि हार्दिक पांड्या खुद ही एम एस धोनी से इतना इंस्पायर है उनसे बहुत कुछ सीखा है जब तिलक वर्मा 49 में थे। एक ओवर पहले हमने स्टम्प माइक में सुना था हार्दिक ने यह भी बोला तिलक को कि नॉट आउट होके जाना तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कोचिंग मैनुअल में भी देखियो हम सब जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो कोच हमारे मम्मी पापा चाचा मम्मी तो नहीं मम्मी उतना क्रिकेट नहीं देखती थी कि चाचा पापा यही बोलते थे कि कुछ भी करो नॉट आउट हो गया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कोच भी यही कहते हैं। हार्दिक पांडे ने भी वही बोला कि नॉट आउट हो गया अच्छा खेल रहा है और फिनिश करके आना जो कि एकदम ठीक बात है कैप्टन को बोलना भी चाहिए मैं कोई दो राय नहीं है। 49 में बैटिंग कर रहे थे और मौका था दस्तूर था काफ़ी समय भी था यू नो नथिंग टू लूज था। एक और बॉल अगर डिफेंस कर देते या एक लेके तिलक वर्मा को देते उसका एक और 50 हो जाता हालांकि इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम 49-50 डजंट मैटर यू नो लेकिन जब कुछ सारे मैचेस हो जाते हैं कुछ फेलियर्स भी आएंगे जब आप पीछे देखोगे तो आप ये देखोगे 49 है 50 नहीं होगा 50 कॉलम में एक ही 50 दिखाई देगा जिसने किया कल कर लेते तो दूसरा भी हो जाता तो लॉ ऑफ एवरेजेस में भी उनका एवरेज थोड़ा बढ़ जाता हालांकि एक रन से उतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन मौका था हार्दिक पांड्या को एक धोनी जैसा काम करने लेकिन हुआ नहीं। एनीवे एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडियन टीम टू कम बैक स्ट्रांगली और उन्होंने किया और होपफुली यही करते हैं कि बाकी के टी20 में भी जीत हासिल करके सीरीज जीते। धन्यवाद।